साल 2021 में कोरोना वैक्सीनेशन में जैसे जैसे तेजी आई, आर्थिक गतिविधियां भी तेज होने लगी, जिस वजह से पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ने लगी। पेट्रोल डीजल की डिमांड में तेजी के बीच तेल उत्पादक देशों यानी ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन में इजाफा नहीं करने का फैसला किया, जिसके कारण कच्चे तेल का रेट उछलने लगा और ये $70 प्रति बैरल तक जा पहुंचा। यही वजह है कि भारत के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 95 रुपए लीटर बिक रहा है। हालांकि कीमत पर लगाम कसने के लिए भारत सरकार लगातार ओपेक देशों के साथ बातचीत कर रही है और उनसे प्रोडक्शन में तेजी की अपील की जा रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का इम्पोर्टर और कंज्यूमर है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल के भाव में तेजी का यहाँ बहुत ज्यादा असर होता है। भारत ने ओपेक प्लस देशों से प्रोडक्शन बढ़ाने की अपील की, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। यही वजह है कि अब मोदी सरकार ने अपने लिए नए विकल्प पर गौर करना शुरू कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट रिफाइनरी सऊदी अरब से तेल के आयात को कम करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि मई तक सऊदी अरब से तेल आयात को 1/4 तक कम कर दिया जाएगा। सरकार अब मिडिल ईस्ट देशों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। भारत की रिफाइनरी कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल रोजाना है, इसमें 60% कंट्रोल स्टेट रिफाइनरी के पास है। ये सरकारी तेल कंपनियां करीब 14.8 मिलियन बैरल तेल एक महीने में सऊदी अरब से आयात करती हैं। मई के महीने में इसे घटाकर 10.8 मिलियन बैरल पर लाने का विचार है। ओपेक प्लस देशों ने अप्रैल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कट का फैसला किया है। रॉयटर्स की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अब अमेरिका से तेल आयात को बढ़ा दिया है, जिसके कारण सऊदी अरब को पीछे छोड़ अमेरिका भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बन गया है। फरवरी में अमेरिका से भारत का तेल निर्यात 48% बढ़ गया है। अमेरिका अब रोजाना आधार पर भारत को 5.45 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। ये भारत के कुल इम्पोर्ट का 14% है। दूसरी ओर सऊदी अरब से भारत का तेल आयात फरवरी में 42% घटकर रोजाना 4,45,200 बैरल रह गया, जो एक दशक में सबसे कम है। सऊदी अरब जनवरी 2006 के बाद पहली बार भारत को तेल सप्लाई के मामले में चौथे स्थान पर फिसल गया है। इसके अलावा भारत ईरान और वेनेजुएला से सस्ता कच्चा तेल इंपोर्ट करना फिर शुरू कर सकता है। 2019 से इन देशों से कच्चे तेल का इंपोर्ट लगभग बंद है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव में भारत ने अमेरिका से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ऐसे में भारत ने देश हित में फैसला किया और अब अमेरिका को भी भारत के ऊर्जा संकट से पार पाने में मदद करने की उम्मीद है। लेकिन सवाल वही है, क्या अमेरिका ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात करने का फायदा देश की आम जनता को मिलेगा? लॉकडाउन के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का दाम गिरकर $20 प्रति लीटर पर आ गया था, तो पेट्रोल का दाम बढ़ गया था। 2014 से $106 प्रति बैरल से तेल का दाम लगातार गिरा है, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जिस कारण आम जनता को तेल के दाम में कमी का फायदा नहीं मिला।